लेकिन आपको बता दें कैस्टर पर एक अहम खबर आ रही है। एनसीडीएक्स ने कैस्टर वायदा में हेजर्स को हुए नुकसान की कुछ भरपाई के लिए क्लोज आउट प्राइस का ऐलान किया है। इस कदम से कितनी राहत मिलेगी हेजर्स को, हमारे साथ मनीषा है। मनीषा, 27 जनवरी को जब वायदा बंद हुआ था तब एक्सचेंज में 3051 रुपए का पर सेटलमेंट किया था। सेटलमेंट प्राइस क्लोज आउट प्राइस के जरिए हेजर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही है, कितनी राहत लेकिन वाकई मिलेगी हेजर्स को इससे? वेल, यू नो मुग्धा, उस तरह से शायद इसको नहीं देख सकते आप, इसको ऐसे देख सकते हैं कि उन्होंने ग्रीवेंस एक यहाँ पर एड्रेस करने का, यहाँ पे जो मौका था एक्सचेंज के पास, वो उन्होंने काफ़ी हद तक इसको लिया है। जैसे आपने कहा 27 जनवरी को जब ये वायदा सस्पेंड किया गया था तो मार्केट काफ़ी हद तक एक शॉक में स्टंट थी मार्केट कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको इस तरह से बंद किया जा रहा है। क्लियरली बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स थे वो मैचअप नहीं कर रहे थे, मार्केट ठीक से नहीं चल पा रहा था और दी ओनली ऑप्शन जो एक्सचेंज के पास था वो था ये वायदा बंद करना। अब नियरली 2-3 महीने के बाद वो एक रिड्रेसल, एक ग्रीवेंस लेके यहाँ पर आया है एक्सचेंज, जो लोग काफ़ी हद तक क्वेश्चंस उठाए हुए थे यहाँ पर, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर क्लोजिंग आउट देने की बात की जा रही है। तो 27 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, जो वहाँ पर प्राइसेस चल रहे थे उसका एक एवरेज यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। एक्सचेंज ने ये भी कहा है कि जो एक्चुअल यहाँ पर ट्रेडर्स थे जिनके नेट शॉर्ट्स थे या लॉन्ग पोजिशन थे या जिन्होंने यहाँ पर डिलीवरी भी देनी थी, उन सबको यहां पर एक क्लोज आउट दे दिया जाएगा। जो डिफॉल्टिंग मेंबर्स थे एक्सचेंज में, जिनकी वजह से परहैप्स एक्सचेंज को यह कदम उठाना पड़ा, उनको ऑफ कोर्स यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो काफी हद तक जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, ब्रोकरेज, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, वो सभी कुछ इन प्राइसेस में एज ऑफ नाउ अकोमोडेट किया जाएगा। सो ऑन वन साइड बिकॉज वायदा ऑलरेडी यहां पर बंद हो चुका है, जिनकी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन खुली थी, जिनका कुछ लेना देना नहीं था, जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उनको ऑफ कोर्स यहां पर या तो डिलीवरी दे दी जाएगी या फिर उनकी नेट शॉर्ट्स कट कर दिए जाएंगे एवरेज प्राइस को लेके। डिफॉल्टिंग मेंबर्स ऑफ कोर्स यहां पर उनके लिए कुछ नहीं है। ओके मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारे अपडेट के लिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल।